आज हम जा रहे हैं एक फैमिली डिनर पे। मेरे भाई ने डिनर अरेंज किया है, मेरी एक बहन नहीं है अंदर, बाकी हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि ये वीडियो आपके साथ रिलेट ज़रूर करेगी। अगर आपके पास भी मेरी फैमिली की तरह एक क्यूट स्वीट नेचुरल सी देसी सी फैमिली है ना, तो यकीनन ये वीडियो आप ही के लिए, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रेस्टोरेंट हम पहुँच गए हैं, इसका टूर मैं आपको दूंगी बाद में, पहले सलाम दुआ तो कर लें। रुको जरा, सबर करो। तो जी मैं बैठी हूँ इत्मीनान से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा अफकास व्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ हमारा फैमिली डिनर, जो बहुत मजे का होने वाला है। अफकास भी मेरे साथ हैं और बाकी फैमिली भी मेरे साथ है। अफकास आपको बोल रहे हैं हेलो। आज अफकास ने और मेरे भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा ब्लंडर किया ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले ये देख लें मेरी फैमिली जो सज धज के बैठ गई है। ये हूँ मैं, ये है भाभी, इससे तो आप पहले मिल चुके हैं काफ़ी देर बाद। आज हम इकट्ठे व्लॉग बना रहे हैं, मसरूफियत इस तरह की होती है, टाइम ही नहीं मिलता इकट्ठे कहीं निकलने का। और ये है मेरी अम्मी जो आपको कह रही हैं हेलो। हेलो हाय तो हो गया, अब मैं आपको सुनाती हूँ सबसे पहले अपने दुखड़े। फ्रेंड्स, मैं, मेरी भाभी और अम्मी, हम लोग पता नहीं कब के तैयार होकर बैठे हुए हैं। यकीन करें हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था और हम लोग इस चक्कर में थे कि जब हमें भूख लगेगी अब हम बाहर चले जाएंगे और जाके करेंगे डिनर। इस चक्कर चक्कर में दिन से रात, शाम और शाम से अब रात हो चुकी थी और हम लोग तकरीबन 9:30 बजे डिनर करने पहुंचे। कहाँ सुबह का हमने नाश्ता किया हुआ था। फ्रेंड्स, औरतें बस बदनाम है, सीरियसली ये आदमी भी किसी से कम नहीं है। आज हम इतना लेट सिर्फ इन दो आदमियों की वजह से हुए हैं। टाइम पे जब बिल्कुल सब रेडी थे, निकलने लगे थे, तब वकास को याद आ गया मैंने तो नहा के जाना था। तो वकास साहब नहाने चले गए। ये जो इनके सिल्की शाइनी बाल आपको नजर आ रहे हैं ना, ये ताजे ताजे कंडीशनर शैम्पू और इनके कमालात हैं। दूसरा हमारा मुजरिम है ये आदमी, मेरा भाई, जो शाम का दाढ़ी सेट करवाने गया हुआ रात को वापिस आया है। मेन कसूर इसका है। हम कब के तैयार होके बैठे हुए थे और इसका वेट कर रहे थे। तब जब मैं और भाभी से कह रहे थे ना कि तुम्हारी वजह से हम लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा, तो आगे से हंस रहा था और कह रहा था मैंने कहा था इतनी जल्दी तैयार हो, मैंने तो कहा था आप आराम आराम से तैयार हो, आप लोग तो इतनी जल्दी तैयार हो गए। यकीनन आप लोगों के घर भी कोई ना कोई आइटम ऐसी जरूर होती होगी जो एंड पे तैयार होती होगी। आपकी बहन के पास अभी फिलहाल माइक तो अवेलेबल है नहीं और इस फैन ने ना इतना बुरा हाल किया हुआ, इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि मुझे ना थोड़ा ऐसे चीख चीख के बोलना पड़ रहा है। खैर, इन सब की शक्लें देखें, इन्हें शदीद भूख लगी हुई है इस टाइम, इन्हें भूख ने पागल किया हुआ है। ये देखें, ये मेरा पूरा ख़ानदान भूखा यहाँ पे बैठा हुआ है, खाने का वेट कर रहा है। ऑर्डर कर दिया है, बस जैसे ही फूड आता है आपको फूड दिखाती हूँ, तब तक इनसे रिव्यूज़ लेते हैं इन्हें कितनी भूख लगी है। तो सबसे पहले पूछते हैं वकास से, कितनी भूख लगी आपको? भूख लगी है, चूहे जो है ना दौड़ दौड़ के खाती है। अच्छा, ओहो, अब बस वेट कर रहे हैं, बार बार वेटर को देख रहे हैं, देखो आता है बार बार तो किचन भी हमारा खाना ले रहा है। सही, आपको कितनी भूख लगी है? आपको कितनी भूख लगी है? फ्रेंड्स, इसकी हंसी से आपको पता चल गया होगा इसे कितनी भूख लगी है। ये देखें, इसको जरा ज्यादा भूख लगी हुई थी तो इसने हाथों पे इस्तेमाल शुरू कर दिए। आपको कितनी भूख लगी है? फ्रेंड्स, इस टाइम हम भूखा परिवार बने हुए हैं, भूखी फैमिली बने हुए हैं और वेट कर रहे हैं जल्दी से खाना आए और हम खाएं। फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत शदीद भूख लगी हुई है, बहुत भूखी हूँ मैं, इतनी शदीद भूख लगी हुई है ना कि मेरा बस नहीं चल रहा किस घड़ी खाना आए और मैं खाऊँ। फाइनली हमारा ऑर्डर आना शुरू हो गया, सर्विंग शुरू हो गई। सबसे पहले काबली पुलाव और दम पुख्ताया, ये इतना लजीज, इतना जबरदस्त था ना कि बस आप वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपके मुंह में पानी आया या नहीं। जो मेरे घर वाले हैं ना, ये मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे। वकास मुझे कहते बस भी करो, बस भी करो, मुझे भूख लगी हुई है, मैंने खाना खाना है। बाकी साथ भी कहते जल्दी करें जल्दी करें, हम लोगों ने खाना खाना है। लेकिन मैंने तो अपना काम करना ही करना था, चाहे ये रोते, चाहे ये पीटते, चाहे ये चीखते, चाहे कुछ भी करते, मैंने तो वीडियो बनाई तसल्ली के साथ। दीदी वाह दीदी, वहाँ पे शोर बहुत ज्यादा था ना, नहीं तो मैं लाइव आपको बताती कि ये कितना मजे का था। लेकिन ये आपको वीडियो देख के पता चल रहा होगा ये कितना मजे का है। ये जितना देखने में मजे का है ना, उतना ही यकीन करें खाने में भी मजे का था। जनता माफ नहीं करेगी। और दमपुख के चावल बिल्कुल एक जैसे थे, कोई फर्क नहीं था, फर्क बस पीस का था। ये जो ऊपर आपको एक पीस नजर आ रहा है ना, इसका फर्क था। ऐसे मुझे ये लगता है ना
काबली पुलाव हो गया, दम पुख्त हो गया, शिनवारी, बीफ, मटन, दुम्बा, कुछ भी इस तरह की जो उनसी चीज़ें हैं ना, वो आप पठानों के किसी रेस्टोरेंट से खाए ना, शिनवारी जो रेस्टोरेंट होते हैं, तो वहीं से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट मिलता है। है ऐसा या नहीं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप किसी भी पेशावरी उस पर चले जाएँ ना, वहाँ से आप काबली पुलाव खाएँ रेस्टोरेंट पर, या दम पुख्त खाएँ, या कढ़ाई खाएँ, या कुछ भी खाएँ, उसका ऑथेंटिक टेस्ट जो है ना आपको वहीं से अच्छा मिलता है। अवाम खाने पे टूट पड़ी है, ये देखें ये सबकी हालत, सारे झुंझे ना बस चल रहे हैं भेड़ बकरी की तरह ना, बस खाने में लगे हुए हैं, किसी को कोई होश नहीं है। विकास के फेस से आपको पता चल ही रहा होगा कि खाना कितना मजे का था। सीरियसली ये तारीफ की बात नहीं है, ये कौन सा पेट प्रमोशन है जो मैंने झूठी तारीफ करनी थी, वाकई अपने हक के सच्चे पैसों का खाना है और बहुत 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 मजे का है। सीरियसली अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में हैं तो दम पुख्त लाजमी ट्राई करिएगा। अभी मैं आपको होटल का, रेस्टोरेंट का भी पूरा टूर दूंगी, मुझे भूख बहुत शदीद लगी हुई थी इसलिए हम लोगों ने सोचा पहले खाना खाते हैं फिर टूर देते हैं। तो ये बस आपसे बातें करते करते खाना खाते खाते बाकी का ऑर्डर भी हमारा आ गया है, वो है चिकन कढ़ाई। यहाँ से जो स्पेशल कढ़ाई मिलती है ना, उसमें स्पेशल ये होते कि उसमें ना जो सब्ज मिर्चें हैं ना, उसका जो फ्लेवर होता है ना, वाह सीरियसली बहुत ही मज़े का होता है। फ्रेंड्स समझो ये सब बैठे हुए हैं ना, अब इस इंतज़ार में है कि फटाफट इसका फ़ोटोशूट हो और ये सारे इस पे टूट पड़े, लेकिन मैं भी आराम से तसल्ली से फ़ोटोशूट कर रही हूँ और करने के बाद ही इनको मैंने कहा लें टूट पड़े, खा लें जो जो आपने खाना है खाएँ। मुख्तार अहमद रोटी खुल गई है, रोटी खुलने के ऐलान के साथ ही अवाम ने भगम दौड़ रोटी खाना शुरू कर दी। टूट म्यूजिक टूट पड़े रोटी पे। फैमिली कितनी प्यारी चीज़ होती है ना, आपको कोई प्रिटेंट नहीं करना पड़ता, कोई शो ऑफ नहीं करना पड़ता, आप जैसे हो वैसे ही रह के खाते हो, वैसे ही इंजॉय करते हो। आप कुछ हम में से हैं जो हाथ से खाने वाले हैं, कुछ उनसे हैं वो फोक वाले हैं, कुछ उनसे हैं वो स्पून वाले हैं, लेकिन सारे अपने अपने तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और इतना कैजुअल और इतना मज़े का सिस्टम होता है। मेरा भाई जो है वो फूड व्लॉगर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो एक अदद बाइट बना रहा है जिसके अंदर पूरे लवाजमा डाल रहा है। ये देखें पहले चिकन, फिर ग्रेवी, फिर उसके ऊपर एक सब्ज़ मिर्च जो उससे पकड़ी नहीं जा रही, वो बार बार स्लिप होती है, वो कहती है मैं तुम्हारे मुंह में नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उससे तो सब्ज़ मिर्च काबू नहीं आई, तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आपने एक बाइट लेनी है, उसमें एक सब्ज़ मिर्च रखनी है, उसके ऊपर चिकन का पीस रखना है और खा लेना है, और आपने कहना है वाह 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 वाह, किसी ने सही तरीका बताया था। देखते देखते यहाँ पर पूरा सफाया होना शुरू हो गया, पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। एक कढ़ाई बिल्कुल टोटली खाली हो चुकी है, अब दूसरे का सफाया चल रहा है, वो भी थोड़ी देर में बिल्कुल खाली हो जाएगी। यकीनन आपकी फैमिली में भी ऐसा होता होगा, अगर होता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद हम सफाया करेंगे इस बोतल पे। पेप्सी मिली नहीं तो हमें सेवन अप से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन कुछ सयाने लोगों ने, कुछ जो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार है ना, उन्होंने ऑर्डर किया था कहवा और वो इंजॉय करेंगे गर्म गर्म कहवा। फ्रेंड्स ये जो कहवा होता है ना, ये पेशावरी कहवा होता है और बहुत जबरदस्त होता है, सीरियसली समझ लें, खाया पिया हजम किया वाला हिसाब, पत्थर हजम लकड़ हजम वो वाला हिसाब होता है, ये बहुत जबरदस्त होता है। जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उससे मदर्स लाजमी रिलेट करती होंगी, ये देखें हमारे बच्चों के कारनामे। खाना एंड होते ही हमारे ट्रिप को चार चांद लगाने के लिए बच्चों ने उड़ी उड़ी शुरू कर दी है। यहाँ पे भाई और भाभी जो उनसे हैं वो बिल देने की तैयारियां कर रहे हैं, बिल को एक दफा दोबारा आप टैली लाजमी किया करें। यहाँ पे भी वही सब कुछ चल रहा है, हमारा 3800 बिल बना था और 200 हमने टिप दे दी थी, पूरा 4000 हमारा बिल बना था, बहुत रीजनेबल बना था। अब आपको देती हूँ रेस्टोरेंट का टूर, क्योंकि मेरा पेट तो काफी फुल हो चुका है, तो वॉक भी जरूरी थी, वॉक करते करते रेस्टोरेंट का टूर देती हूँ। ये दम पुख आप गूगल मैप पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, वैसे कलिस्टो मार्ग की बहरिया के बिल्कुल सामने है ये, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा। यहाँ की खास बात यह है कि जो दम पुख है ना वो यूजली मिलता है 8000 का, 24000 का, 12000 का, यहाँ पे केजी के हिसाब से आपको थोड़ा भी मिल जाता है, आपको पूरा बकरा लेके नहीं खाना पड़ता। इसलिए अगर आपकी फैमिली छोटी है या अगर आप कम पैसों में दम पुख्त का मजा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो 1300 रुपए का था और हमारी फैमिली के लिए और हम लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ये मजे मजे के खाने पकते देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैंने आते ही आप लोगों को टूर क्यों नहीं दिया। देखें कितनी मजे की इसकी खुशबू फैल रही होगी, सोचें आप खुद। खुशबू के साथ साथ ये जो धुआं था ना बारबेक्यू का और जो इधर ना चटापटा सीख बन रही थी, इतना जबरदस्त उसकी स्मेल थी कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। लाइव कुकिंग चल रही थी, इनके पास बेशुमार वर्कर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। यहाँ पे कुछ दुम्बे और बकरे लटके हुए थे, बिल्कुल फ्रेश मीट होता है, सामने आंखों के आप कटवा के बनवा सकते हैं। टेस्ट की गारंटी देने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपने देखा है ना कितना मज़े का खाना था और हम लोगों ने कितना इंजॉय किया वो भी आपने देखा।
जितना मजे का खाना आप लोगों ने देख लिया, हमारी फैमिली की फुल एंजॉयमेंट भी देख ली, चैनल मेरा आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी कर दें। आज के व्लॉग से रिलेटेड मुझे मजे मजे के कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको खाने में क्या पसंद है और आज के व्लॉग में सबसे ज्यादा मजे का आपको क्या लगा। मुझे सबसे मजे का ये बारबेक्यू इस टाइम लग रहा है, इसकी स्मेल यकीन करें मुझे अभी भी आ रही है और इतना मुझे मजा आ रहा है ना ये सब कुछ देखने का। एक बार फिर आपको बता देती हूँ, ये रेस्टोरेंट है दमपुख, जहाँ पे आप जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अब हम लोग जा रहे हैं घर, मौसम थोड़ा सा बदल गया है, रातें ना ठंडी ठंडी हो गई हैं, मज़े की हो गई हैं, मज़ा आता है रात टाइम घूमने फिरने का। आप भी घूमें फिरें, इंजॉय करें, खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरफ कास्ट व्लॉग्स।